नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह स्कूलिंग प्रोग्राम फॉर स्लो लर्नर्स के ऑडियो ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। मैं हूं हिना दुरानी। सबक नंबर 2, कुरान मजीद के आदाब और इसका तारुफ। सवाल नंबर 1 में दर्जा ज़ेल सवालात और जवाबात हैं। सवाल नंबर 1, तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? जवाब, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सवाल नंबर 2, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। सवाल नंबर 3, तिलावत के क्या मायने हैं? जवाब, कुरान मजीद कोई आम किताब नहीं बल्कि ये एक अजीम और आलिशान किताब है जिसे पढ़ने के लिए तिलावत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 4, तिलावत के आदाब बयान कीजिए। जवाब, तिलावत के आदाब दर्ज ज़ेल हैं। कुरान मजीद को बावजू होके पाक होके पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद ठहर ठहर कर खूबसूरत आवाज में और तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद को एहतरामन ऊंची जगह पर रखना चाहिए और एहतरामन इसके औराक को आराम से पलटना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुकम्मल पढ़नी चाहिए। कुरान मजीद पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें फजूल गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ना ही इधर उधर देखना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत गौर से और खामोशी से सुनना चाहिए। सवाल नंबर 2, खाली जगह। नंबर 1, हमारे प्यारे नबी पर डैश किताब नाजिल हुई। जवाब, कुरान मजीद। नंबर 2, कुरान मजीद के एक एक हर्फ पढ़ने पर डैश नेकियों का सवाब मिलता है। जवाब, बेशुमार। नंबर 3, कुरान मजीद पढ़ने के लिए वुजू करके डैश होना चाहिए। जवाब, पाक। नंबर 4, इंजील डैश नबी पर नाजिल हुई। जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। यहाँ सबक नंबर 2 खत्म हुआ। इसी के साथ हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ। अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।